तो वाजह दो तीन सूरत हाल जो है वो वाजह नज़र आ रही है। अगर ये लोग कामयाबी चाहते हैं पेशावराना तौर पर या वैसे किसी मसले में कामयाबी चाहते हैं तो इनको अभी मुनज़्ज़म हो जाना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो इनको कामयाबी आ रही है और ये अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरीके से निपट लेंगे, अगर ऑर्गेनाइज नहीं हुए तो एरीज बी रेडी, यू विल बी इन ट्रबल फिर जी। ये है कि समी पर खुदा इन्होंने कोई माजी कोई सरमायाकारी भी की हुई है, कोई कारोबार शुरू किया था, उसकी वजह से इनको बड़ा मुनाफा आ रहा है, अच्छा वो सूरत हाल बड़ा मुनाफे बख्श हो रही है इनके लिए। तीसरी बात जो इनको ज़रूरी है उसको भी ये अच्छी तरह समझें, बड़े अरसे से कोई किसी के साथ किसी करीबी तल्ले के साथ इनकी गलतफहमी चली आ रही है, उस गलतफहमी ने बड़े अरसे से सूरत हाल को ख़राब किया हुआ है। आजकल इन दिनों मौका है कि आप इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें ताकि आपकी ये जो उलझन है ये दूर हो जाए। ये टाइम है कि आप गलत फहमियां दूर कर लें एरीज, और सितारे जो हैं प्लैनेट्स आपके मदद इस कर रहे हवाले हैं, से मुआफिक हैं। बहुत माफक है। और ये है कि मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, मुनज्जम हो जाए, इनको गलत बड़ी फहमियां दूर कामयाबी आने करें, वाली है मुनज्जम हो जाए, बड़ी कामयाबी आने वाली है। और अपनी जिम्मेदारियों से निपटें। अब मैं आता हूँ शोर की तरफ। टॉरस, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अप्रैल से 20 मई तक जो लोग पैदा हुए हैं। तो समी बरखदार, ये जो अगला आने वाला हफ्ता है इसमें बड़ी मेहनत मशक्कत और बड़ी मसरूफियत नज़र आती है सोरी हजरात के लिए, इनको अच्छा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अपने अजीज़ों अकारब और ख़ानदानी और घरेलू जो जिम्मेदारियाँ हैं ये बड़े प्यार मोहब्बत और बड़ा अब से फ़र्ज़ समझ कर इन दिनों निभाएंगे, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ख़ानदानी फैमिली की जिम्मेदारियाँ और अजीज़ो अकारब की जो अगर किसी को मदद और हमायत की ज़रूरत है तो ये लोग तैयार नजर आते हैं। नंबर अज़दवाजी दो ताल्लुकात कैसे रहेंगे? जी, अज़दवाजी ताल्लुकात अपनी स्पाउसेस के साथ कैसे वो रिलेशनशिप मिले होंगे? जुले हैं सर, अच्छा, बल्कि जो सॉरी नौजवान हजरात हैं उनके लिए सितारे ऐसे लगे हुए हैं कि उनको शादी की तलब ज्यादा से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी अब, और उनको चाहिए कि अगर वो शादी चाहते हैं तो कोशिश शुरू कर दें। ये उनके लिए अच्छा पीरियड शुरू हो गया गैर शादीशुदा के लिए, जो शादीशुदा हैं उनके लिए मिले जुले हालात हैं, कभी इसका अच्छे मतलब है रोमांस जो है वो शादी जी नॉट रोमांस। आपका क्या मतलब है, शादी और रोमांस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं नहीं है? सर, कैसे? थोड़ा सा तो जब आप अपने तजुर्बे से शादी बताएं आती है रोमांस खत्म हो जाता है, ना। ये तो आप देखें, अगर जो शादी के लोग बाद भी रोमांस है तो वो शादी कामयाब नहीं देखें, रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो रोमांस में है आप उनको ये कह रहे हैं कि शादी का मत सोचें, ये तो प्रोफेसर साहब मैं तो इससे एग्री नहीं करता। वेल, रोमांस का लॉजिकल जो कंक्लूजन है वो तो शादी है ना। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। जिस दिन शादी होती है उस दिन रोमांस खत्म हो जाते हैं। अब एक और अच्छी बात इनके लिए ये, पहले तो ये है कि अपनी जिम्मेदारियां ये पूरी करते नजर आते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कि जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। नंबर दो, समी साहब ये कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, अच्छा उसकी बुनियाद रख रहे हैं या बुनियाद रखने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये नया काम शुरू करें और उसकी बुनियाद रखें। गैर शादीशुदा हजरात के लिए मैं कुछ आपसे बातें पहले कर चुका हूँ कि वो कोशिश करें शादी के लिए, लेकिन कोशिश आपने शुरू एक कर ऐसी दें। बात कही है कि मैं तो अब उस पर राय भी नहीं दे सकता। आपने तो कह दिया कि रोमांस एक चीज़ है, शादी एक चीज़ है, पता नहीं आपने तो एक नया ऐसा फलसफा दिया है, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ठीक है ठीक है, वो आ यूँ जाए। है कि आप मेरी बात, अच्छा, फाइनेंशियल इनकी पोजीशन कैसी होगी सॉरी हजरात की, टॉरस की? पैसे आ रहे हैं कि नहीं? पैसे ठीक है, उसमें कोई ख़राब सितारे नहीं लगे हुए इनके, और इनका कोई घरेलू मसला है जो असल बात सामने आई पड़ी है उसको हल करने पर तुले पड़े हैं, उसको अच्छा हल करना चाहते हैं। एज एस्ट्रोलॉजर हम जो दोनों बैठे हुए हैं इस मदद नहीं, करने पर, एस्ट्रोलॉजर तो आप हैं, मैं तो आपके सर साथ आप हूँ। मेरे साथ ही हैं ना, आप हाँ की वजह से तो मैं ये सारा सिलसिला चला हुआ है। तो वो यूँ है कि इनको कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, और ये मसला है इसको चलने, इसको मजीद ना बढ़ाएं, और ये हल हो सकता है। हाँ, तो ये विल पावर है, इन दिनों प्लेनेट ऐसे आए हैं ये हल कर सकते हैं और ये करें, अब अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। जोजा की मैं तरफ चलें, जो, जेमिनाई, हाँ जी, मई 21 से जून 20 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सर, इन जेमिनाई दिनों है। जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये एम्प्लाई हैं काम करते हैं, अपना जो इनका रोजगार है वहाँ इन्होंने अपनी जानत से सब कुछ जीत लिया है, छा गए हैं जेमिनाई छा गए गाइस, हैं, यू और हर आप कोई लोग छा गए। सराह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, अच्छा कि इतने अच्छे वर्कर, इतने अच्छे एम्प्लाई, तो इन्होंने हर एक से
शाहबाज जो है वो सुलह कर लिए,